नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोविड के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी। गुरुवार को स्वस्थ होने हुए 3,35,939 रोगी और 2,35,532 नए मामले। अरुणाचल में पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए 515 रोगी और सामने आए 380 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में सरकार की योजनाओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए लगाए जा रहे हैं सरकार आपके द्वार शिविर। ईस्ट कमेंग जिले के पाम्पोली विलेज, लोअर दिबांग वैली जिले के कोरोनू और तवांग जिले के साजो में सरकार आपके द्वार शिविर में लोगों ने उठाया योजनाओं का लाभ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार से मिलकर मुरकोंग सेलेक पासीघाट नई रेलवे लाइन नाहरलगन में फ्राइट टर्मिनल के विकास और राज्य से कृषि उत्पादों की त्वरित तुलाई के लिए किसान रेल शुरू करने का विषय में की चर्चा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 165,04,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,35,532 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 3,35,939 मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 871 रोगियों की मौत हो गई। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 20,03,333 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 380 नए मामले सामने आए और 515 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 3,197 हो गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए 1,562 सैंपल एकत्रित किए गए। इस दौरान 17 से 18 आयु वर्ग के 410 लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली डोज, 18 वर्ष से अधिक आयु के 445 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली और 935 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। अरुणाचल प्रदेश में सरकार की योजनाओं को डोर टू डोर पहुँचाने के लिए सफलतापूर्वक सरकार आपके द्वार शिविर लगाया जा रहा है। ईस्ट कमेंग जिले के पाम्पोली विलेज में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार शिविर में विलेज के 13 विभागों ने हिस्सा लिया। इस शिविर के दौरान 224 जरूरी प्रमाण पत्र जारी किए गए, 23 स्थानीय नागरिकों का आधार पंजीकरण किया गया, 142 बैंक खाते खोले गए और 217 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। लोअर दिबांग वैली जिले के कोरोनू गांव में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार शिविर में गांव के 738 नागरिकों में से 538 लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, आवश्यक सेवाओं के लिए पंजीकरण कराया और प्रमाण पत्र बनवाया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ ने आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत चयनित 8 लाभार्थियों को लोन की मंजूर पत्र का सौंपा। तवांग जिले के लुंगला अंचल में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल साजो में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। जिले के सुदूर गांवों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए लगाए गए शिविर में लोगों ने स्वास्थ्य की जांच की गई। इस शिविर में लोगों ने जरूरी प्रमाण पत्र बनवाए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार से मिलकर मुरकोंग सेलेक पासीघाट नई रेलवे लाइन नाहरलगन में फ्राइट टर्मिनल के विकास और राज्य से कृषि उत्पादों की त्वरित धुलाई के लिए किसान रेलवे सेवा शुरू करने के विषय पर चर्चा की। रोंगिया रेल डिवीजन के वार्षिक सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री गुप्ता ने नाहरलगन रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया और नए स्वास्थ्य इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने नाहरलगन हरमोती रेल खंड का भी जायजा लिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज राष्ट्रीय रक्षा सेवा और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए रणनीतिक अध्ययन में उच्च संस्थान दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में न्यायिक सुधार विषय पर लेक्चर दिया। इस अवसर पर भारत के अलावा संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे अन्य देशों के सैन्य और प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से आगामी 1 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने, बिना मान्यता
के गैर कानूनी तरीके से चल रहे निजी विद्यालयों को बंद कराने और प्राइवेट विद्यालयों के लिए भी लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड और चार दीवारी की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में शुक्रवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा है कि राज्य के कई निजी विद्यालयों के परिसर में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल की दुकान होना चिंता का विषय है। और स्कूल एजुकेशन बच्चा का पूरा खत्म हो चुका है ये दो साल में, तो हम लोग इसलिए चाहता है कि एक तरह से स्कूल को खोल दिया जाए। ऑल अरुणाचल में 477 स्कूल रिकॉग्नाइज किया हुआ है गवर्नमेंट आज तक। इसके बाद 200 स्कूल को 2021 में डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट और एलिमेंट्री में आया है, उसमें से 200 में से 40 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल को स्क्रीनिंग कमिटी के द्वारा इसको अप्रूव करके रखा हुआ है, और रेस्ट ऑफ 160 स्कूल जो अभी डायरेक्ट और एलिमेंट्री में पाइल पेंडिंग है, और अराउंड 700 स्कूल जो इलीगल चल रहे हैं अरुणाचल में। तो हम लोग सरकार से ये कहना है कि जो भी इलीगल स्कूल चल रहा है उसको जल्दी बंद कर देना है। 80% ऑफ द स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आर रनिंग इलीगली, ये सबको पता है, और 50% ऑफ द स्कूल्स आर रनिंग विदाउट इवन एन इंच ऑफ प्लेग्राउंड, हैंगिंग होके स्कूल चल रहा है। बगल में वाइन शॉप है, बगल में क्लासरूम है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में बीरी, तामुल, पान का दुकान है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर में स्कूल चल रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, और इसी तरह हमारे बच्चे, इनोसेंट बच्चे, बीरी, सिगरेट को, तंबाकू को एक्सपोज हो जाते हैं, और दिस इज हाउ वी आर रुइनिंग आवर चिल्ड्रन, वी आर रुइनिंग आवर फ्यूचर जनरेशन। डॉक्टर अनंत नागेश्वर को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। श्री नागेश्वर ने शुक्रवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे एक लेखक, शिक्षक और परामर्शदाता रहे हैं। डॉक्टर नागेश्वर भारत के अलावा सिंगापुर में भी कई बिजनेस स्कूल और प्रबंधन संस्थानों में प्राध्यापक रहे हैं। वे IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और क्रेया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने वर्ष 2019 में से 2021 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अंशकालिक सदस्य के तौर पर भी काम किया। डॉक्टर नागेश्वर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की। केंद्र सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 284 पंजीकृत विद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जारी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सरकार ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के माध्यम से बच्चों को राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व करने, चरित्र अनुशासन और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना के साथ प्रभावी नेतृत्व विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए मूल आधारित शिक्षा पर और अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है। आज के समय में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही है। सीमा सुरक्षा बल में अपने पुरुष सहयोगियों के साथ महिला सुरक्षाकर्मी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है। बड़ी संख्या में महिलाएं जवानों के रूप में BSF में शामिल होने के लिए आगे आ रही है। पेशेक रिपोर्ट। और आज के समय में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं बढ़ रही हैं। सीमा सुरक्षा बल में अपने पुरुष सहयोगियों के साथ महिला सुरक्षाकर्मी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जवानों के रूप में BSF में शामिल होने के लिए आगे आ रही हैं। जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर में BSF प्रशिक्षण शिविर में महिला सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो देश की रक्षा में तत्पर रह सकें। वर्तमान में शिविर में 918 महिलाओं और 231 पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी हथियार जैसे इंसास, LMG, बरेटा, पिस्टल आदि हथियारों का हमें सिखलाई दी जा रही है, और यहाँ के जो स्टाफ है हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं।
हमारे में जो शक्ति है, अपने देश के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो फोर्स में आने के बाद हमारे समर्पण की भावना बहुत ज्यादा निखरी है। हम जिम्मेदार बने हैं। मैं जम्मू से हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट। अभी हमें देख के सारी फैमिली अलाउ कर रही है और लड़कियां भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पांचवी कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं, ताकि जीवन को एक उत्सव की तरह जिया जा सके। पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन रखे जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे देश के पहले अखबार बंगाल गजट के बारे में। January 1780 को कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। इस अखबार को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत में ये पहला संपादकीय प्रयास था। इसका नारा था, सभी के लिए मुक्त पर किसी से भी प्रभावित नहीं। सच्चाई का खुलासा करने के लिए हिक्की के साहसी रवैये से लोग बेहद प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इंडिया गैजेट नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इस तरह जब प्रतिद्वंद्वी अखबार इंडिया गैजेट प्रकाशित हुआ तो हिक्की ने उसी दिन अपने अखबार का नाम बदलकर हिक्कीज बंगाल गैजेट कर दिया। हिक्की का बंगाल गैजेट औपनिवेशिक शासन का कड़ा आलोचक था। उन्होंने गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए आवाज उठाई। उनके अखबार में आम तौर पर बंगाल के निर्धनों के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल गैजेट प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया और 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दल जोर लगा रहे हैं। राज्य में दो चरणों में आगामी 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। पेश है मणिपुर चुनाव पर एक रिपोर्ट। मणिपुर में 60 सीटों के लिए दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। वही कई छोटे दल भी इस बार बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी विकास और प्रदेश में शांति के महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जनता के बीच में उतरेगी, वहीं कांग्रेस ने सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीएस और दो अन्य दलों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है, जो उनका प्री अलायंस माना जा रहा है। पिछले 5 साल में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार होने से उन्हें राज्य का विकास करने में काफी मदद मिल रही है। इम्फाल से मोरेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, जिस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। मोरेह को ईस्ट एशिया गेट भी कहा जाता है, जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस हाईवे से मोरेह के रास्ते व्यापार करने में काफी मदद मिलेगी। ये हाईवे रोड तो एकदम जोर से काम हो रहा है, धमाधम डेवलपमेंट, काफी डेवलपमेंट हुआ है। पहले तरह नहीं आया, पहले एक जमाने में एक्सीडेंट बहुत होता था, अभी एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ट्रेड के लिए भी ये रास्ता बहुत बढ़िया होगा। और बाकी डेवलपमेंट तो अभी बीजेपी सरकार आने के बाद तो डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। साथ ही मोरेह के अंदर जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनेक्शन का काम भी तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में ये प्रदेश के लिए बड़ी राहत देने का काम करेगा, क्योंकि गर्मियों के समय इस इलाके में पानी का गहरा संकट होता है, लेकिन इस परियोजना से इन्हें इस संकट से निजात मिल जाएगी। आज से 10-15 साल का पहले जब कांग्रेस सरकार थे, उस टाइम में तो हम लोग को यहाँ मोरेह में ये जो PICD का जो पानी कभी नहीं मिलता था। अभी जो है यहाँ का जो टोटी का पानी जो है मिल जाने से
हम लोग एक बात देखिए यहाँ का जनता लोग सब एकदम मजा आएगा, मगर एक बात है भारत सरकार ने भी बात का बात ये हम लोग का यहाँ में सुविधा जो दिया है पानी की मिलने के लिए, इसका भी थैंक्स। हमारे यहाँ रहते हुए 50 साल हो गया, पानी का लिए बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने लाइन दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा बात है, हम सबको आराम हो जाएगा यहाँ पे। 2018 में मोरे बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन किया गया था। यह वह बिल्डिंग है जहां से मोरे के रास्ते म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश जाने के लिए यात्रियों को वीजा और कार्गो की सुविधा दी जाती है। इसके यहां स्थापित होने से व्यापार में काफी ट्रांसपेरेंसी आई है और लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है। इसके ठीक पीछे ही नेशनल हाईवे का नया रास्ता जुड़ रहा है, जिससे भारत में आने वाले और यहां से जाने वाले लोगों को ICP से ही होकर गुजरना होगा। This ICP has been conceptualized for providing seamless movement of goods and passengers between the two countries, that is Myanmar and India. Moreover, this will be the connecting point for the Asian Highway, which will connect India with Thailand, Vietnam, Myanmar, and the highway. Asian Highway will pass through ICP and it's just over the gate, the highway, which will go to Imphal, from Imphal the rest of the countries. अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता वर्तमान में सरकार के काम को तवज्जो देती है और उन्हें फिर से सरकार बनाने का मौका मिलता है, या कांग्रेस 2002 से 2017 तक के काम को गिनाकर सत्ता की चाबी हासिल करने में कामयाब होती है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।